मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एक कड़ी टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी की है। सीधे तौर पर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। कोरोना के हालात को लेकर मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के लिए सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है। रैलियां करने से नेताओं को रोका नहीं गया, तमाम सियासी दलों ने रैलियां की और एक्शन तब लिया गया जब सियासतदानों ने खुद, पार्टियों ने खुद अपनी तरफ से तय किया कि वो अब रैलियां नहीं करेंगे, तब एक्शन लिया गया। कोविड प्रोटोकॉल का ये उल्लंघन अनदेखी जारी रही तो रोकेंगे काउंटिंग भी। 2 मई को काउंटिंग होनी है, लेकिन इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह की अनदेखी जारी रही तो फिर काउंटिंग को भी रोक सकते हैं। कोरोना के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले रैलियां नहीं रोकी, इजाजत दी। चुनाव आयोग पर हत्या का केस हो तो गलत नहीं होगा। प्रमोद माधव मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं चेन्नई से, संजय शर्मा भी मेरे साथ हैं। प्रमोद, सबसे पहले कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में क्या कुछ कहा है? जी, कोर्ट ने अभी मद्रास हाई कोर्ट ने पहले बार बोला है कि लाइक इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है जब जो कुछ सेकंड वेव अभी हो रहा है, क्योंकि तमिलनाडु पे अभी 15,000 के ऊपर केसेस रजिस्टर हुआ है कल तक। एंड अभी ये इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि व्हाई नॉट या मर्डर चार्जेस आपके ऊपर, लाइक यू नो व्हाई कांट वी फाइल इट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक क्रिटिसिज्म मद्रास हाई कोर्ट ने रखा था। उसके बाद अभी एक वार्निंग भी दिया हुआ है इलेक्शन, लाइक मद्रास हाई कोर्ट बोल रहे हैं कि लाइक 2 मई को ये काउंटिंग को भी रुक सक, लाइक दे कैन स्टॉप इट इफ एक ब्लूप्रिंट कोविड-19 के ऊपर एक ब्लूप्रिंट ने इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन ऑफिसर तमिलनाडु का और हेल्थ डिपार्टमेंट के में डिस्कस कर उन्होंने नहीं सबमिट किया, तो वो भी अप्रैल 30 को भी बिफोर दैट उन्होंने सबमिट नहीं किया तो ये काउंटिंग को भी अभी स्टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमोद, रही है हमारे साथ संजय। देखिए, इसको लेकर खासतौर पर टीएमसी ने भी एक लेटर दी थी कि तमाम जो बाकी बचे चरण हैं उसको एक साथ करा लिया जाए, जिसको लेकर तमाम दलों के साथ इलेक्शन कमीशन ने 2 बार बैठक भी की, लेकिन बावजूद इसके पहली बात तो चरण कम नहीं हुआ। और जब पार्टियों ने खुद फैसला लिया कि वो अब कैंपेनिंग नहीं करेंगे, तब वापस से उन प्रोटोकॉल को याद दिलाया गया। जी हाँ बिल्कुल, जो मद्रास हाई कोर्ट की नाराजगी है वो इसी बात को लेकर है कि चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ मतदान के लिए प्रोटोकॉल तय करने में रखी, उसके लिए इंतजाम करने के लिए तय की, लेकिन चुनाव प्रचार को लेकर न केवल स्टार प्रचारक बने हुए नेता, कार्यकर्ता और आम जनता, सारे लोग उदासीन इन्हें लापरवाह बने रहे और कोरोना बम बन के घूमते रहे एक दूसरे के साथ साथ आमने सामने। चुनाव आयोग खामोश रहा, जिस समय चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था उस समय चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। आयोग ने उस समय किया जब पार्टियों ने अपनी तरफ से स्थिति को देखते हुए अपना चेहरा छुपाने के लिए, फेस सेविंग के लिए जो इंतजाम किए, ऐलान किए, उसके बाद चुनाव आयोग को भी कहना पड़ा, क्योंकि चुनाव आयोग तो बड़ी संस्था है और चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, लेकिन सुरक्षित इलेक्शन कराना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, वो उन्हें समझना चाहिए था फ्री एंड फेयर के साथ सेफ एंड सिक्योर इलेक्शन। इसलिए ये ऐसी भावना तो बहुत सारे लोगों के मन में थी, लेकिन लोगों के पास ज्यूडिशियल पावर नहीं है, इसलिए मद्रास हाई कोर्ट ने जो कहा है उस पर सारे लोग अपनी अपनी भावना जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि अगर ब्लूप्रिंट 30 तारीख तक नहीं दिया तो वो मतगणना पर रोक लगा देगा, और ऐसे में चुनाव आयोग अब इसमें आगे क्या करता है, क्योंकि 2 मई को न केवल सत्ता के बल्कि संक्रमण के रिजल्ट भी आने हैं, देश इसके लिए तैयार रहे ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल संजय, शुक्रिया आपका। प्रमोद, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे कहर बरपा रहा है कोरोना। कोरोना से जंग में ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आ रही कि देखकर रूह कांप जाए। कहीं संक्रमित पति की जान बचाने के लिए पत्नी के जद्दोजहद है तो कहीं पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटे की जंग।
जब कोई अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रहा हो, जब नजरों के सामने किसी के पति की सांसें उखड़ने लग जाए, तो खुद अपनी परवाह कहां रह जाती है। इस महिला ने अपने पति की जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। ये कहानी आगरा की है। महिला का नाम रेणु सिंघल है। अपने पति रवि सिंघल को ऑटो से लेकर वो अस्पताल रवाना होती है, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं। पति ऑक्सीजन के बिना तड़पने लगे तो रेणु ने खुद अपनी सांसों से पति की सांसें बचाने की कोशिश की, वो नाकाम रही। कोरोना ने पति को छीन लिया। ऐसी ही एक और तस्वीर को देखने के बाद आपका दिल बैठ जाएगा, आपकी संवेदना शून्य हो जाएगी, आप सिस्टम के नकारेपन पर तिलमिला जाएंगे। ये भी आगरा की ही तस्वीर है। एक बेटे की कार है जिसकी छत पर पिता का शव पड़ा है। जयपुर हाउस के मोहित के पिता की मौत हो गई। मोहित ने शव को शमशान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगाने की कोशिश की, कई बार कॉल किया, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो कार की छत पर शव को बांध अकेले ही शमशान निकल पड़े। अब यूपी के ही बिजनौर की तस्वीर देखिए। आगरा में कोई आगे नहीं आया तो बिजनौर में पुलिस का मानवीय चेहरा राहत दे गया। एक महिला के कोरोना संक्रमित होने की गलत खबर पर लोग अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आए तो पुलिस ने कंधा देकर अर्थी को शमशान तक पहुंचाया और अंतिम संस्कार करवाया। मैं अपने पत्नी और दो छोटे बेटों के साथ बिलक बिलक करके रो रहे थे। मेरे द्वारा तत्काल पुलिस बल को भेजा गया। स्थानीय इंस्पेक्टर के मौजूदगी में पीपी किट पहन करके पुलिस ने उनको शमशान घाट ले जाने की व्यवस्था किया, कंधा दिया, वहाँ पर लकड़ी एवं अन्य हिंदू धर्म रीति रिवाज का प्रबंध किया गया। केवल उनके बेटे और पुलिस बल की मौजूदगी में उनके बेटे द्वारा मुखाग्नि दिया गया। और अब लखनऊ पुलिस का चेहरा भी देख लीजिए। लॉकडाउन में बंद होटल के दो कर्मचारियों को यहाँ की पुलिस ने इसलिए बेरहमी से पीट दिया क्योंकि वो यहाँ रहकर किसी तरह दिन बिता रहे थे। आज तक ब्यूरो। किसका किसका दर्द सुनाएं, किसका किसका गम दिखाएं और किसकी किसकी तड़प समझाएं। शहर शहर लोगों का कलेजा फट रहा है। किसी का अपना जा रहा है तो कोई खुद चंद सांसों के लिए तड़प रहा है। मैं इधर नारायण से आया हूँ, 3 दिन से आ रहा हूँ। आज थर्ड डे है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कल भी आया था, 4 घंटे बाद ऑक्सीजन खत्म हो गई। कल मिल पाई थी? नहीं, कल भी 4 घंटे बाद खत्म हो गई थी, नहीं मिली। 4 घंटे लाइन में खड़े होकर धन्यवाद। बिल्कुल ऑक्सीजन खत्म है, टोटल क्योस है। जो भी बोल रहा है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है, सब झूठ बोल रहे हैं। देर इज टोटल क्योस। आप देखो यहाँ पे 400 बंदा खड़ा हुआ है और रात से खड़े हुए हैं लोग, 2 बजे से, रात के 1 बजे 2 बजे से खड़े हुए हैं यहाँ पे। गैस नहीं आई है, सुबह गैस आई है, वो भी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। सुबह से शाम तक यहाँ यही हाल है, लाइनें लगी है 4-4 किलोमीटर, कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही। हम रोज देख रहे हैं, एम्बुलेंस की लाइन्स है, गाड़ियों की लाइन्स है, दिल्ली पुलिस यहाँ खड़ी है, SEI सब खड़ी है, परेशान है लोग। आप ये लगाओ आफ्टरनून में जब धूप इतनी तेज होती है, कम से कम 4-5 किलोमीटर लाइन है। और कल दोपहर से 3 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए। मैं एक सेवा ग्रुप से हूँ, दिल्ली कैंट में मैं सेवा कर रहा हूँ। मेरे को पर्सनली नहीं चाहिए बट यहाँ पर 3 घंटे से SDM ही नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, जो SDM को यहाँ पे पहले आना चाहिए। या ऑनलाइन इतने काम हो रहे हैं, यहाँ 500 बंदा खड़ा हुआ है लाइन में, किसी घर की क्या हालत है। मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं लोगों की 50-50। SDM आएगा, SDM आएगा, साइन करेगा तो आगे होगा। रात के 12 बजे से खड़े हैं और मॉर्निंग का टाइम हो गया और 4:30 बजे यहाँ पे गैस आ चुकी है और लोड होने में 6 बजे तक लोड हो चुकी है। कैन पे 3 घंटे 1 घंटे के लिए भी हमें गैस रिलीज नहीं करनी चाहिए ना, सिलेंडर भरने के लिए आए हैं। और पल्स रेट उनका 80-85 जा रहा है डाउन से। अगर इतनी देर में आने वाला मर गया, इनका क्या जा रहा है ये बताइए ना। शाम को 5:30 बजे पूरी रात ऐसे बिताइए, अभी भी खड़े हैं, बताइए। फैमिली के लिए, मम्मी के लिए। 7 बजे आए हो और यहाँ पर क्या सिलेंडर का कोई पता नहीं चल रहा है। रात को गाड़ी हम खड़े हुए थे, 12-15 घंटे हो चुके हैं। 4:30 बजे 4:45 बजे गाड़ी अंदर गई थी, 6:30 बजे भर के वापस आई है। उसके बाद के हम साहब नहीं आए यहाँ पर, उनके साइन नहीं होंगे तो कोई वो नहीं करेंगे। 150 लोग यहाँ पे खड़े हुए, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ये मेरा नंबर है, यहाँ पे कबीर नगर से आए हम। मेरा भाई बहुत सीरियस है, उसके लिए ऑक्सीजन लेने के लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, वहाँ पर कह दिया ऑक्सीजन घर में लगाओ। अब यहाँ पर सुबह 4-5 बजे की गाड़ी आ रही है और SDM साहब अभी तक नहीं आया, देख लो अब टाइम क्या हो रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, बताएंगे क्या करेंगे। 6 बजे से कल से घूम रहे हैं,
सारे अस्पताल देख लिए, कहीं पे भी एंट्री नहीं दे रहे, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट। कहाँ जाएगा बंदा? कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही है। अभी आपको एलएनजेपी में क्या कहा गया? बोरे बेड नहीं है अंदर। यहाँ पर मेरी मम्मी एडमिट लतापुरी, यहाँ पे केयर बिल्कुल नहीं है सर, इनकी मदद करवाओ। या पानी भी नहीं पिला रहे इनको, सुबह से फोन कर रहे हैं पानी पिला दो, उनका थोड़ा देख लो। उनके हर आधे घंटे में पौने घंटे में ऑक्सीजन पानी खत्म हो जाता है। वहाँ पानी भरना कोई आता ही नहीं है, पूरी पूरी रात कोई नहीं देखता है वहाँ पे। वो तड़पती रहती, फोन करती रहती पूरी रात। यहाँ पे पूरी रात हम देखते रहते, कोई नहीं रहता, कोई नहीं सुनता। अंदर हमने कल पता करवाया कहीं से आईसीयू बेड खाली है, कह रहे अपनी अप्रोच लगवाओ, मिल जाएगा। अप्रोच कहाँ से लगवाए हम लोग सर? यहाँ कुछ केयर नहीं हो रही है पेशेंट की, कुछ केयर नहीं हो रही है। ऑक्सीजन बेड पे है लेकिन भाई पानी खत्म होता पौने घंटे, पानी नहीं भर रहे ये लोग। कोई देखने नहीं आता है, कोई देखने नहीं आ रहा है। बस 6-7 सिलेंडर खाली है, 8-7 गाड़ी है ना खाली सारा। 6 गाड़ी है हमारे पास में, मगर सारी ऑक्सीजन नहीं मिला तो खड़ी हुई है। ये नरेना प्लांट है इसका, वहाँ से भराते वहाँ भी लाइन लगी रहती है, नंबर ही नहीं आता। भरवाने में जी रात को अगर 2 बजे आएंगे तो 4 बजे नंबर आए, ना भी आए फिर कहते हैं जी अब कल आना जी, खत्म हो गया। कंडीशन खराब है बहुत, अब तो डर लगने लगा मैडम जी काम करते करते। यहाँ ले आते पेशेंट वाले लाते हैं बेचारे, हाथ पैर जोड़ते हैं, कहीं इधर ले जाओ कहीं उधर ले जाओ, परेशान हो जाते हैं, क्या करें वो। ऑक्सीजन की तो दिक्कत है, ये आपको पता क्या कह रहे हैं? नहीं मिल रहा, बेड ही नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा जब अंदर जाएगा तो? हम लोग को नहीं, हम लोग को भी नहीं मिल रहा ऑक्सीजन। गवर्नमेंट की ये है ना कि सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी, वो ऐसा कोई नाम की चीज नहीं है। मैं 2 घंटे मुझे यहाँ 8 बजे से मैं यहाँ आया हूँ और देख लो 2-2.5 घंटे हो गए, अभी 1 घंटा और नंबर नहीं मेरा आने का। जाओ कोविड सेंटर में एडमिट हो जाओगे, और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन डिप हो रहा है, 88-85 आ गया मेरा ऑक्सीजन। घर में मैं क्वारंटीन था 12 दिनों से, घर में नहीं हो रहा है ठीक, तो मैं इधर डायरेक्ट आया क्योंकि आज खुलने का मेरे को पता था कि आज खुल रहा है, तो मैं इधर आ गया। पूरी दिल्ली घूम चुके हम, कम से कम 10-15 हॉस्पिटल। मैं बताता हूँ 10, देखो हिंदू राव गए, पुलिस लाइन गए, और उसके बाद में तीरथ राम गए, और इधर कुछ ना सादरा के इधर है ये अपना शास्त्री पार्क में, वो क्या नाम है उसका, तीसरे जीरो पुस्ते पे है उसमें गए। उसके बाद में छतरपुर गए अभी, ठीक है हिंदू राव हॉस्पिटल गए, ठीक है। हम उनको रेफर लिखा गया है एलएनजेपी के लिए लिखा गया था सर, वहाँ गए तो पेशेंट को मना कर दिया लेने से कि यहाँ एडमिशन नहीं हो रहे, तो सर वहाँ काफ़ी देर खड़े रहे वेट करते रहे, फिर वहाँ से बोला कि जीटीवी ले जाओ, जीटीवी लेकर आए, यहाँ भी सर एंट्री नहीं ले रहे अंदर, और ऑक्सीजन भी सर ख़त्म हो रही है और पेशेंट को सीरियस। आपका कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था है सर? पूरे बिहार में पूरे देश में सर यही स्थिति है, लोग त्राहिमाम है सर, भूख से नहीं मर रहा है ऑक्सीजन से मर रहा है। हमारा निवेदन है सरकार से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, जल्द ही जल्द जो है ऑक्सीजन और दवाई की जल्द जल्द व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। मरीज आईसीयू में हमारे यहाँ 5 मरीज एडमिट हैं, एक मरीज को लगभग 2 इंजेक्शन की नीड होती है, और हम रोज लगभग 4-5 दिनों से रोज जो है रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको एक भी इंजेक्शन नहीं मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे, और केंद्र सरकार को दोनों 150-150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपये में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो रहा है, तो अगर 150 रुपये में भी उनको फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपये में और 600 रुपये में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।
ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है। ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है। एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपये पे ले आएंगे, पूरी जिंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने। पटना से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर दिल कांप जाए। पटना स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने आपसी कलह में पहले तो कोरोना पॉजिटिव पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर खुद भी छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अतुल लाल परेशान थे और किसी बात पर तनातनी ऐसी हुई कि उन्होंने पत्नी तुलिका की हत्या कर दी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।